नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज आपको बता दे कि जैसा कि आप लोग किस सवाल रहते हैं हमेशा कि आखिर सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, आइए जानते हैं। आज हम आपको देंगे पूरी जानकारी, क्या हिंदू धर्म में मांस खाना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आ जाते हैं सनातन धर्म क्या है। आपको बता दूं कि सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता था। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका आदि और न अंत हो। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे बृहत्तर भारत भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा। विभिन्न कारणों से हुई भारी धर्मांतरण के उपरांत भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। अब आ जाते हैं हिंदू धर्म की तरफ। आपको बता दें कि संस्कृत हिंदू धर्म एक धर्म या जीवन पद्धति है जिसके अनुयायी अधिकांश भारत, नेपाल और मॉरीशस में बहुमत में है। इसके अलावा सुरीनाम, फिजी इत्यादि। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई थी। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों व परंपराओं के मिश्रण मानते हैं, जिसका कोई भी संस्थापक नहीं है। अब हम आपको बताएंगे क्या हिंदू धर्म में मांस खाना चाहिए, जो कि हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल होता है। तो आइए जानते हैं गीता के वो श्लोक के माध्यम से जो कहीं ना कहीं आपको संकेत देते हैं। पहला श्लोक है, ददाति यजते चापि तपस्वी चा वत्यपि मधुमांस निर्वतेत प्राह चैवं ब्रह्मस्पति। ब्रह्मस्पति जी का कहना है कि जो व्यक्ति मद और मांस का त्याग कर देता है, वह दान देता, यज्ञ करता है और तप करता है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को इन तीन चीजों का लाभ मिलता है। दूसरा श्लोक है, अदृश्य सर्व भूतानाम विश्वास्य सर्व जंतुषु साधुनाम सम्मितो नित्यम भविनाम सम विवर्जयनम। जो व्यक्ति मांस का त्याग कर देता है, वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों में विश्वसनीय और सदा साधुओं में सम्मानित होता है। अब तीसरे श्लोक पर आ जाते हैं। स्वमासं परमासेन यो वर्दि युतिमिच्छत नाति क्षुद्र तरस्त यस्मात् न सतरो न। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। अब इसकी आपको संपूर्ण जानकारी हम दे देते हैं। हर धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है, लेकिन वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए ना की गई हो, उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है। और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस तरह हिंदुओं के लिए मांस खाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। आपको बता दूं, मांस भक्षण को लेकर महाभारत में घोर निंदा की गई है। महाभारत के जो भी हमने आपको श्लोक सुनाए, कहीं ना कहीं मांस ना खाने के आदेश देते हैं। आइए जानते हैं उन श्लोकों के बारे में जो कि अभी हमने आपको श्लोक सुनाए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करिएगा। इसी तरह की जानकारी अगर आप गीता से जुड़ी लेना चाहते हैं या कोई भी सवाल हमें कर सकते हैं, और इसे आगे शेयर जरूर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये संपूर्ण जानकारी पहुँच सके।